गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 11th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो है लेसन फर्स्ट, जो क्या है जीव जगत में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग किंगडम, यानी कि जो जीव जगत है उसके अंदर विविधता। तो जब जीव जगत के अंदर विविधता के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले इसके अंदर चर्चा की थी कि जीव क्या है। जब हम बात करते हैं जीव क्या है, तो हम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर सजीव और निर्जीव को अलग अलग वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। तो जिसके अंदर हमने देखा था कि हम मुख्य रूप से 5 ऐसे करैक्टर लेते हैं, जिनके आधार पर हमने क्या किया था, सजीव और निर्जीव को अलग अलग वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। जैसे कि वृद्धि है, ग्रोथ, जनन है, यानी कि रिप्रोडक्शन है, और इसके बाद में हमने देखा क्या, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। इसके साथ हमने क्या देखा, उपापचय या मेटाबॉलिज्म के साथ में हमने देखा कोशिकीय संगठन, और साथ में हमने क्या देखा था, चेतना के बारे में। तो हमने बात की थी कि अगर हम बात करें जीव क्या है, तो हम क्या करते हैं, सजीव और निर्जीव को कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। और वो लक्षण कौन कौन से हैं, वृद्धि, जनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना। और इनमें से मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि और जनन हैं, ये सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं हैं, लक्षण की कैटेगरी के अंदर इनको हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि इनके क्या है, अपवाद उपस्थित है। और जबकि उपापचय हुआ, कोशिकीय संगठन हुआ या चेतना है, इनको हमने किस में रखा था कि जो सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं उसकी कैटेगरी के अंदर रखा था। और क्यों रखा था, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली इनका कोई अपवाद जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था किसके बारे में, वृद्धि के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अगर किसी जीव के शरीर के अंदर या किसी उसके उत्तक के अंदर या उसके किसी भाग के अंदर, अगर उसके द्रव्यमान या आयतन के अंदर अगर स्थायी बढ़ोतरी होती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, वृद्धि के अंदर आती है। और अगर ये वृद्धि शरीर के अंदर से होती है, तब उसे क्या कहा गया था, आंतरिक वृद्धि कहा गया था। और अगर बाह्य स्तर के ऊपर किसी पदार्थ के जमा होने के कारण होती है, तो इसे नाम दिया गया था बाह्य वृद्धि। और बाह्य वृद्धि जो है वो हमने देखा था कि निर्जीवों के अंदर भी पाई जाती है, जैसे कि पर्वत है, रेत के टीले हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि वृद्धि के रूप में जो है वो बाह्य वृद्धि जो है वो निर्जीवों के अंदर भी देखने को मिलती है, यानी कि हमें इसका अपवाद जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको जो है वो सजीवों का एक विशिष्ट करैक्टर जो है वो नहीं मानते हैं, ठीक है। आज अपने बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जनन के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम जनन से, जो कि सजीवों का दूसरा लक्षण। तो देखो, अगर हम बात करें जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनन होता क्या है, तो जनन को अगर हम परिभाषित करें, तो हम ये कहेंगे कि जनन जो है वो सजीवों का एक ऐसा विशिष्ट लक्षण है
जिसके द्वारा जीव जो है वो अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तरजीवी के रूप में अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है, और जिसके कारण जो है वो उस जीव जाति का पृथ्वी के ऊपर जो अस्तित्व है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, कि जनन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समान संतति यानी कि संतान उत्पन्न करना क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और ये सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि प्रकृति के अंदर जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है, यानी कि वो एक आयु अवधि को पूरा करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक मिनट के लिए आप सपोज करो कि अगर जीवों के अंदर ये जनन का गुण मौजूद नहीं हो तो फिर क्या होगा कि जो जीव उत्पन्न हुआ है आगे चल करके जैसे ही वो अपना जीवन यापन कंप्लीट कर ले या उसका जो आयु है वो पूर्ण हो जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु। और उसकी मृत्यु के साथ ही उस जीव जाति का या उस जीव का अस्तित्व जो है वो हमारे इस पृथ्वी से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको जो ये जीव दिखाई दे रहे हैं पूरा का पूरा जो जीवन है पृथ्वी के ऊपर वो उपलब्ध ही नहीं होता अगर जीवों के अंदर क्या नहीं होता, ये जनन का गुण जो है वो नहीं पाया जाता। तो जनन के द्वारा क्या होगा कि जो जीव है ये इस जीव की जब मृत्यु होगी तो ये क्या करेगा, अपनी मृत्यु से पहले जो है वो अपने उत्तरजीवी के रूप में अपनी संतान उत्पन्न कर देगा, ताकि इस जीव की मृत्यु के बाद इसका स्थान जो है वो इसके द्वारा उत्पन्न की गई संतति के द्वारा ग्रहण किया जा सके। ठीक है, अब आगे हम इस जनन के बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति के अंदर दो प्रकार के जीव जो है वो मौजूद हैं। कौन कौन से? एक तो है वो जीव जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के करती है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव। और दूसरे कौन से हैं? एक कोशिकीय जीव, यानी कि जिनके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से हुआ है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर बात करें हम रिप्रोडक्शन की यानी कि जनन की, किसके संदर्भ के अंदर? बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनके संदर्भ के अंदर। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, मनुष्य की बात करें, तो वो भी क्या आता है, बहुकोशिकीय जीवों की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की या जनन की बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनके द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तरजीवी के रूप में संतति या संतान उत्पन्न करना क्या है, जनन है, रिप्रोडक्शन है। कि जब एक बहुकोशिकीय जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तरजीवी के रूप में अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन या जनन कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी, जैसे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसके साथ यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जो शैवाल है, एल्गी है इसकी, या फिर अगर हम बात करें कुछ अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है इसकी, तो इनके अंदर अगर हम बात करें किसकी,
जनन की, तो हम ये कहेंगे कि एक कोशिकीय जो जीव हैं, जैसे कि जीवाणु हैं, एक कोशिकीय शैवाल हैं या अमीबा है, इनके संदर्भ के अंदर अगर जनन की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि इनकी कोशिकाओं की संख्या में जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, वो ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। हम ये कहेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में तो क्या है, संतान या संतति उत्पन्न करना क्या कहला रहा है, जनन कहलाता है। और जबकि अगर इसी जनन की बात की जाए एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या के अंदर बढ़ोतरी होना ही क्या है, जनन है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात कर लें किसकी, अमीबा की, तो मान लो कि ये एक अमीबा है, इसके अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बन गए, दो अमीबा बन गए। ठीक है, तो अब अगर मैं इस घटना को देखूं, किसको, कि ये एक अमीबा था, इसने क्या किया, विभाजन किया, और विभाजन करके दो जीवों का निर्माण कर दिया, यानी कि क्या उत्पन्न हुई, संततियां उत्पन्न हुई। तो इस संदर्भ के अंदर तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या है, जनन है। ठीक है, लेकिन वैसे वास्तविकता के अंदर देखा जाए तो आप देखोगे कि पहले क्या थी, एक कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर विभाजन हुआ और क्या हो गई, दो कोशिकाएं बन गई, यानी कि हुआ क्या है, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, यानी कि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके संदर्भ के अंदर हम कोशिकाओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कोई दिक्कत, अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों के बारे में, तो जैसा कि हमने कल क्या पढ़ा था, वृद्धि के बारे में पढ़ा था। वृद्धि के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हम ये मान रहे हैं कि ये एक अमीबा है और उसकी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण क्या बन गई, दो अमीबा बन गई, तो ये क्रिया क्या हुई, जनन। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि ये एक अमीबा थी, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई और कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, वृद्धि भी कहलाता है, ग्रोथ भी कहलाता है। तो इसलिए एक बात बोली जाती है और वो क्या है, देखो, नॉट एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में जनन व वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। यानी कि अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, तो हम ये कहेंगे कि एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ के अंदर अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि जनन और वृद्धि दोनों का एक ही अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ के अंदर वृद्धि और जनन को क्या मानते हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। और जबकि बात की जाए बहुकोशिकीय जीवों की, तो उनके अंदर हम ये कहेंगे कि संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, जनन या रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी जो है वो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का जो है वो यहाँ पर एक जर्नल
इंट्रोडक्शन जो है वो प्राप्त किया है, यानी कि सामान्य परिचय की जो है वो हमने बात की है, और इस जनन के बारे में जो है वो डिटेल के अंदर हम रिप्रोडक्शन के लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस क्या पाया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर कोशिश की है इस रिप्रोडक्शन के आधार पर या जनन के आधार पर सजीव और निर्जीव को अलग अलग करने की। तो इस प्रकार से अगर हम रिप्रोडक्शन को या जनन को सजीवों का एक प्रमुख लक्षण मानते हुए सजीव और निर्जीव को अलग अलग करने का प्रयास करें, तो हमारे दिमाग के अंदर जो अवधारणा बनेगी वो अवधारणा ये बनेगी कि जिनके अंदर जनन उपस्थित है, यानी कि जो जनन करते हैं वो तो क्या हैं, सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। और जिनके अंदर जनन अनुपस्थित है या एब्सेंट है, तो उनके बारे में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि वो क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो यही कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर हम जनन को जीवों का एक प्रमुख लक्षण माने तो हमारे दिमाग में जो अवधारणा बनेगी वो ये बनेगी कि जिनके अंदर जनन का लक्षण देखने को मिलता है वो तो क्या है, सजीव है, और जिनके अंदर जनन अनुपस्थित होता है या जनन की घटना देखने को नहीं मिलती वो क्या हो गए, निर्जीव हो गए। अगर हम इन दोनों तथ्यों के ऊपर विचार करें तो हम ये देखते हैं कि हमारा पहला जो कथन है वो तो सत्य है कि जिसके अंदर जनन उपस्थित होगा वो 100% क्या होगा, सजीव ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कथन के बारे में जिसके अंतर्गत हमने क्या कहा है कि जिसके अंदर जनन नहीं पाया जाता यानी कि जिसमें जनन अनुपस्थित होता है तो वो क्या है, निर्जीव है। ये बात जो है वो 100% सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हमें कई अपवाद जो है वो देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर अभी कहा कि जिसके अंदर जनन नहीं है वो क्या है, निर्जीव है। लेकिन अगर हम बात करें अपवाद स्वरूप खच्चर की, या हम बात करें मधुमक्खियों के अंदर जो श्रमिक मधुमक्खी है, मक्खी की अगर हम इनकी बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो हैं वो क्या होते हैं, बंध्य प्रकृति के होते हैं, बंध्य प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी कि इनके अंदर जनन जो है वो नहीं देखने को मिलता। अब अगर इस बात को अगर अपने सही माने कि जनन अगर अनुपस्थित है तो वो क्या है, निर्जीव है, तो हम देखते हैं कि जो खच्चर है या श्रमिक मधुमक्खी है या यहाँ तक कि कुछ मनुष्य जो है वो भी बंध्य प्रकृति के होते हैं, यानी कि उनके अंदर जनन का गुण नहीं पाया जाता, तो क्या फिर ये निर्जीव है? नहीं। तो हम ये देखते हैं कि ये सजीव होते हुए भी इनके अंदर जनन का गुण जो है वो नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि हम जनन या रिप्रोडक्शन के बेस के ऊपर जो है वो सजीव और निर्जीव को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि वृद्धि की भांति जनन जो है या रिप्रोडक्शन जो है इसको भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण जो है वो नहीं माना गया है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, या जनन की, तो हम ये देखते हैं कि जनन जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जिसमें से एक तो आता है लैंगिक जनन, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, अलैंगिक जनन, या जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि एक बार जो है वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का सामान्य परिचय थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने अभी देखा कि अगर हम बात करें जनन की, तो जनन के कितने टाइप माने गए हैं, मुख्य रूप से दो, जिनमें से पहला प्रकार जो आता है वो कौन सा है, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जनन जिसके अंदर मियोसिस यानी कि अर्ध सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, गेमिटोजिनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण, और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जैसी घटनाओं का क्या पाया, एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन यानी कि निषेचन जैसी घटनाओं का क्या पाया जाता हो, अभाव पाया जाता हो, तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक या एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोबारा सुनना, हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अलैंगिक प्रकार का जनन क्या होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन का, युग्मक निर्माण का और निषेचन जैसी घटनाओं का क्या पाया जाता हो, अभाव पाया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रकार का जनन या एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो कहेंगे। और इसके अंदर उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है, किसके अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर, वो संतति क्या होती है, जनक का क्लोन होती है यानी कि हूबहू जनक सदस्य की प्रतिलिपि होती है। वैसे तो डिटेल के अंदर तो हम इसके बारे में रिप्रोडक्शन वाला जो लेसन है उसके अंदर अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत संक्षेप के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो हम ये देखते हैं कि ये अलैंगिक जनन जो है वो आगे चल करके कई प्रकार का होता है, जैसे कि अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होने वाला जनन, अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होने वाला जो अलैंगिक जनन है, वो जनरली हमें देखने को मिलता है शैवाल हैं उनके अंदर यानी कि जो एल्गी होती है उसमें, और कवकों में, शैवाल व कवक में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन जो है वो दूसरा प्रकार इसका है, वो है मुकुलन या बडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो जनक सदस्य होता है उसके शरीर के ऊपर एक उभारनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम मुकुल नाम देते हैं, और बाद में वो अलग होकर के जनक के समान संरचना का निर्माण कर देती है, और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन या बडिंग कहेंगे। और इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन जो है वो देखने को मिलेगा ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, नेक्स्ट
टाइप के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसका एक प्रकार है विखंडन, जिसके अंदर जनक सदस्य का जो शरीर है वो दो या दो से अधिक भागों के अंदर टूट जाता है और वो भाग जो है, प्रत्येक भाग जो है वो क्या होगा, आगे चल करके एक नए जीव का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार का जो जनन है वो देखने को मिलता है हमें तंतुवत, तंतुवत शैवाल में, जिसके अंदर जैसे कि ये शैवाल है, शैवाल का तंतु है, ये कई भागों के अंदर टूट जाएगा और आगे चल करके प्रत्येक भाग जो है वो विकसित होकर के एक नए शैवाल का निर्माण कर देगा। इसी प्रकार से ये हमें देखने को मिलता है कवक के अंदर, क्योंकि कवक जो है इनका शरीर भी कवक जाल या माइसीलियम के रूप में होता है और वो कई भागों के अंदर टूट जाता है। और इसी प्रकार का जो जन अलैंगिक जनन है विखंडन टाइप का, वो हमें ब्रायोफाइट्स के रूप में आप पढ़ोगे मॉसेज और लीवर वर्ल्ड को, तो वहां पर जो मॉस ब्रायोफाइट है उसके अंदर पाए जाने वाला जो उनका प्रोटोनीमा है यानी कि प्राथमिक तंतु, इस प्रोटोनीमा के अंदर भी जो है वो विखंडन के द्वारा ही अलैंगिक जनन की घटना होती है। इसके अलावा अलैंगिक जनन का एक और टाइप है और वो है सत्य पुनर्जनन यानी कि ट्रू रीजनरेशन। अगर मैं बात करूं पुनर्जनन की, रीजनरेशन की, तो आप इस रीजनरेशन से अच्छी तरह से परिचित हो कि कई जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, ये क्षमता पाई जाती है कि उनके जो क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए जो भाग हैं उनका दोबारा से फिर निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपने छिपकली के अंदर देखा होगा इसकी पूंछ जो है वो वापस उग जाती है, तो वो किसके अंदर आती है, पुनर्जनन की। अब बात आती है सत्य पुनर्जनन। आपने देखा होगा कि जब छिपकली की पूंछ टूटती है तो छिपकली के अंदर तो पूंछ नहीं आ गई, लेकिन वो जो पूंछ टूट करके अलग हुई है वो पूंछ जो है वो आगे चल करके पूरी छिपकली का निर्माण नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए उस घटना को हम ट्रू रीजनरेशन के अंदर नहीं रखेंगे। यहाँ पर सत्य पुनर्जनन का मतलब होगा ऐसा पुनर्जनन जिसके अंदर अगर कोई जीव है उसके शरीर का अगर कोई भाग कट करके अलग हो गया है तो उस जीव के अंदर तो उस भाग का निर्माण होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो भाग कट करके अलग हुआ है उस भाग के द्वारा भी जो है वो एक पूरे के पूरे जीव का निर्माण कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है ट्रू रीजनरेशन या सत्य पुनर्जनन, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। और ये हमें देखने को मिलता है एक जीव के अंदर जिसका नाम है प्लेनेरिया, कि प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से अगर आप इसको तीन भागों के अंदर काट दो, जैसे कि एक ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये तीनों भाग जो है ना ये भी अपना एक अलग प्लेन एरिया विकसित कर देगा, इससे भी अपना एक प्लेन एरिया विकसित हो जाएगा और इसके अंदर भी एक प्लेन एरिया जो है वो विकसित हो जाएगा। कैसे कि अगर मैं बात करूं इस ऊपर वाले भाग की, तो इतना भाग जो है वो काट करके आपने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था ये, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके मध्य भाग की और इसके पूंछ वाले भाग का जो है वो रीजनरेशन हो जाएगा और ये क्या बना देगा, एक पूरा का पूरा प्लेन एरिया जो है वो बना देगा। इसी प्रकार से अगर बात करें हम बीच वाले भाग की, तो ये भाग जो है वो कट करके अलग हुआ था यूं, तो अब इसके अंदर क्या होगा, पीछे वाला भाग जो है वो नया बन जाएगा और साथ में जो है वो इसका शीर्ष भाग जो है वो उसका निर्माण भी हो जाएगा। इस तरह से तो अब क्या बन गया, एक पूरा का पूरा प्लेन एरिया जो है वो बन गया। इसी तरह से जो इसका ये पश्च भाग है ये भी क्या करेगा, मध्य भाग और इस शीर्ष भाग का फिर से निर्माण कर लेगा और नया प्लेन एरिया बन जाएगा। यानी कि एक तरह से आप इस प्लेन एरिया को जितने भागों में काटोगे आगे चल करके उतने ही जो प्लेन एरिया है जो वो बन जाएंगे। तो ये किसके अंदर आएगा, सत्य पुनर्जनन या
ट्रू रीजनरेशन के अंदर आएगा, जो कि एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। तो ये था अलैंगिक जनन का सामान्य परिचय। अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, जैसे कि मनुष्य जो है इसके अंदर भी लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जो विकसित श्रेणी के जो पादप होते हैं जनरली उनके अंदर भी क्या है, हमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो जिनके अंदर पुष्प देखने को मिलते हैं उन पादपों में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन जो है वो एक ऐसा जनन है, लैंगिक जनन की अगर लैंगिक जनन की हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि लैंगिक जनन जो है वो एक ऐसा जनन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण की क्रिया और निषेचन जैसी घटनाएं जो हैं वो आवश्यक रूप से देखने को मिलती है। तो वो किसके अंदर आएगा, लैंगिक जनन के अंदर आएगा। और लैंगिक जनन के दौरान जो उत्पन्न होने वाली संतति है, चूंकि वो संतान जो है वो दोनों जनकों का मिश्रण होती है, इसलिए वो कम्प्लीटली किसी भी एक जनक के समान नहीं होती। इसलिए हम ये कहते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो जनक का क्लोन नहीं होती। चलो तो अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर बात की रिप्रोडक्शन की, यानी कि जनन की, इस संदर्भ के अंदर कि जनन के आधार पर हम सजीव और निर्जीव जो है इनको अलग अलग वर्गीकृत कर पाए। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जनन जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण जो है वो नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, अपवाद देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम बात करें जनन के आधार पर सजीव और निर्जीव को वर्गीकृत करने की, तो हम ये मानते हैं कि जिनके अंदर जनन का गुण नहीं पाया जाता वो किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, निर्जीव की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके कुछ अपवाद हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि हमने अभी बात की खच्चर की, श्रमिक मधुमक्खी की, या कुछ बंदे प्रकृति के जो मनुष्य हैं उनकी, जिनके सजीव होते हुए भी उनके अंदर क्या है, जनन या रिप्रोडक्शन का गुण नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिनके अंदर जनन नहीं पाया जाता वो निर्जीव है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो खच्चर है या श्रमिक मधुमक्खी है या जो बंदे प्रकृति के जो मानव युगल हैं जिनके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है वो निर्जीव की कैटेगरी में आएंगे, जो कि सत्य नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो जनन है या फिर वो वर्दी है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, ये जो है वो सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी कि इनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कुछ अन्य करैक्टर के बारे में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय, चेतना और कोशिकीय संगठन के बारे में। ओके, थैंक यू।